फलत बहुविधम रोमकूपेष्वीक्षणम् ईशारे सावकाशम् निजपदविहिताम् सद्व्यवस्थाम् विदत्त रक्ता भक्ता विरक्ता विलसत सकले सत्कले निष्कले वा श्रीपूर्णानन्दतीर्थम् वयव्यकुशला उत्कलम् संहृता शुद्ध अंतकरण। अंतकरण को शुद्ध कब कहेंगे? बाहर की चीजें जो अंतकरण में मिल जाते हैं, आपको अपने अंतकरण में क्या दिखता है? अपना यार दिखता है, अपना प्यारा दिखता है, अपना दोस्त दिखता है, तो शुद्ध अंतकरण कहां हुआ? उसमें रुपया दिखता है, नोट के बंडल दिखते, दुकान दिखती है, दोस्त दिखता है, दुश्मन दिखता है, तो आपका अंतकरण अभी खालिश शुद्ध अंतकरण जिसमें दूसरी चीज मिली हुई न हो, ऐसा अंतकरण। देखो इसको अंतकरण शुद्ध बोलते हैं। तो ऐसा अंतकरण शुद्ध बनाने के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं, और वो उपाय ऐसे होते हैं, कुछ कार्मिक होते हैं, कुछ कर्म करने पड़ते हैं, और कुछ भाविक होते हैं, भाव से किए जाते हैं, कुछ वैचारिक होते हैं, विचार से किए जाते हैं। कुछ स्थिरता मूलक होते हैं, कुछ चिंतन मूलक होते हैं। ये कहीं बाजार में सुन के आए कि आत्मा साक्षी है, आत्मा ब्रह्म है, आत्मा अद्वितीय है, तो जो बाजार में लाउड स्पीकर पर सुन के आते हैं वो सुनना काम नहीं देता है, इसके लिए दिल को बनाना पड़ता है। पहले 25-30 वर्ष पहले तक ये रिवाज थे, जो वेदांत ज्ञान प्राप्त करना चाहे वो संध्या वंदन करे, प्रातःकाल जब मन में वासनाओं का स्फुरा कम होता है, जब सो के उठते हैं ना, सो के उठते हैं तो उस समय सारी वासनाएं सो जाती हैं और फिर धीरे धीरे जागती हैं, तो संसार की अधिक वासनाएं न फुरती हों, न फुरे उसके पहले ही भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है भागवत में। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्म मुहूर्त में उठते थे, आप लोग पढ़ना हो, कभी भागवत पढ़ते हो तो श्री कृष्ण की दिनचर्या पढ़ना, ब्राह्म मुहूर्त में उठते थे। और वार्जुप स्पृश्य माधव, केवल हाथ पांव और मुंह कुल्ला कर लेते थे वो आचम्य।
स्नान नहीं करते थे और बैठ करके ध्यान करते थे। वार्जुप स्पृश्य माधव, क्या ध्यान करते थे? आत्मानं तमसः परम। ये जो मैं सो गया था ना, नींद में था, नींद में उस नींद को मैं जानता हूं, मैं नींद से परे हूं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। तमसः परस्तात्, अज्ञानांधकार, निद्रांधकार, इनसे मैं परे हूं, मैं इनका साक्षी हूं। ऐसे ध्यान करते हैं। इसके लिए तो संध्या वंदन करना, अग्निहोत्र करना, दान करना, देवता की पूजा करना, व्रत करना और सबका सब कर मांगे एक करना, रामचरण रति हो। ये करने का फल क्या है? ये करने का फल ये है कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो। इसको भी जो लोग शास्त्रीय रीति से वेदांत नहीं पढ़ते हैं, उनकी समझ में ये बात भी नहीं आती है। रामचरण रति अध्यारोप है और संसार रति अपवाद है। भगवान के चरणों में प्रेम होए, इसके माने क्या? ये तो अध्यारोप हुआ। क्यों अध्यारोप हुआ? न भगवान दिखते हैं, न भगवान का चरण दिखता है, न उनकी प्रीति दिखती है। भगवत चरणारविंद की प्रीति अध्यारोप हुआ, भगवान में प्रेम। और अपवाद क्या हुआ? संसार के धन में, स्त्री में, पुत्र में, गृह में, शरीर में जो रति है, जो प्रेम है, वो ढीला पड़ गया। भगवान के चरणों में प्रेम माने संसार से प्रेम नहीं। तो ये सब युक्ति होती है। उत्तम कर्म करना, उत्तम भाव करना, उत्तम विचार करना, उत्तम स्थिति में बैठना और चिंतन की धारा निरंतर परमेश्वर के बारे में चलने लग जाए, ये अंतःकरण शुद्धि का साधन है। वो ये अंतःकरण शुद्धि का साधन है। नहीं तो आप देख लो जरा, अगर आप कोई कमाई का काम करो तो भीतर मैंने कमाई की है ये अभिमान जो बनेगा वो जल्दी नहीं छूटेगा। हो और आप जो कोई कभी कदाचित बेईमानी का काम करोगे तो उसका दुख आएगा। तो कहोगे अरे मैं तो करता नहीं हूं, साक्षी हूं, दृष्टा हूं, बेईमानी का भी दृष्टा। क्या इससे मेरा कोई समासंग थोड़ी है? मैं तो असंग हूं, दृष्टा। यही बात परमार्थ के रास्ते में बिल्कुल नहीं चलती है। बोला मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये बात वेदांत के रास्ते में बिल्कुल नहीं चलती है। बुरे काम से तो असंग बन गए और अच्छे काम अपने सिर पर लेके बैठ गए। एक भगत जी थे, उनसे कोई काम होता ना, गलत काम होता, तो कहते जैसी भगवान की इच्छा।
जैसी भगवान की इच्छा, भगवान ने जैसा कराया वैसा किया। और कभी कोई अच्छा काम हो जाता तो छाती ठोक के आगे आ जाते, ये मैंने किया है, हैं? तो ये बात भगवान जानता है। वो भक्त की पहचान है गुण तुम्हार समझही निज दोषु, सपने होना ही न आन भरोसो। अच्छा काम हो तो समझो कि भगवान ने कराया है, और बुरा काम हो तो समझो कि हमारी गलती से हुआ। अच्छे विचार उठे, बोले भगवान की बड़ी कृपा, अच्छे विचार। आप इतना तो जरूर आप नोट कर लें कि आप संसार में बेईमानी करेंगे उसमें संभव है सफल भी हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जो बेईमानी करेंगे वो तो आप अपने आप से ही बेईमानी करेंगे, आप अपने को ही धोखे में डालेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आप से बेईमानी करके आप बच नहीं सकते, सारी बुराई आपके साथ जुड़ी जाएगी। ये आत्मा कल्पवृक्ष है, ये अंतर्यामी परमात्मा कल्पवृक्ष है, ये चिंतामणि है, ये कामधेनु है। आप जैसा करेंगे जैसा चाहेंगे, आपकी एक एक वासना, आपका एक एक चिंतन, आपकी एक एक इच्छा आपके साथ जोड़ी जाएगी, आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। तो देखो जो स्वयंभू वेदांत आता है ना, मनमाना, उसको स्वयंभू वेदांत कहते हैं। वो खुद ही में से निकलता है, और जो सच्चा वेदांत है वो पवित्रता में से निकलता है। एक श्रुति देखो, वेदांत देखो, वेदांत माने तुम ब्रह्म हो नहीं, वेदांत माने तुम साक्षी हो नहीं, वेदांत माने तुम सत हो, चित हो, आनंद हो। बड़े स्वर से गा रहे हैं, वही आत्मा सच्चिदानंद में। ठीक है भाई, आपका स्वर तो बहुत बढ़िया है, उच्चारण बहुत बढ़िया है, पॉप का टोन बहुत अच्छा है, आप एकदम स्वर से ताल से लय से गाते हैं, आपकी बड़ी तारीफ। लेकिन एक बात तो बताओ कि आपके जीवन में जो दुष्चरित्र हैं उनको आप छोड़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं? ये है वो परंपरागत और संप्रदायगत और उपनिषदगत। आप अपना दुष्चरित्र छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? अंतरिक्षण करो भाई, अपने भीतर सोचो। देखो एक ये कठा है ना, कठा कठोपनिषद, क ख ग घ छ ज झ, और टाठा ये कितना हुआ, दस हुआ, दस अक्षर हुए, दस। क से लेके ठा तक ना या को छोड़ देते हैं, वो पंचमाक्षर जो है उनको छोड़ देते। कठा माने हृदय होता है वो संस्कृत में। ये अपने आप जो पढ़े लिखे लोग हैं ना,
जो बीए में तक संस्कृत पढ़ के आते हैं जी, बीए में तक नहीं हो, शास्त्री आचार्य करके आते हैं, व्याकरण आचार्य करके आते हैं, उनको भी अपने आप ये बात नहीं मालूम पड़ेगी कि क ठ माने हृदय। ये मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्र, तो इनमें होता है अक्षरों का न्यास। तो हृदय चक्र में क से लेकर दस दल, दस एक कमल है, कमल में दस दल हैं, दस दलों में क से लेकर ठ तक दस अक्षरों का न्यास होता है। कठ माने हृदय, हृदय माने वेदांत का हृदय। वेदांत का हृदय क्या है, वेदांत का दिल क्या बोलता है? ना विदतो दुष्चरिता, ना शांतो ना समाहितः, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने नैन वाप्नुया। तुम्हारी समझदारी की हम तारीफ करते हैं, लेकिन बड़ी समझ होने से वेदांत नहीं मिलता। नहीं भाई, जो बड़े बड़े बैरिस्टर हैं, बड़े बड़े जज हैं, बड़े बड़े संसदा हैं, सबको मिल जाता है। बैरिस्टर बहस करके हो आत्मा को प्राप्त कर लेता है, और जज फैसला करके आत्मा को प्राप्त, और साइंसदा मशीन पर आत्मा को प्राप्त कर। बोले नहीं, परमात्मा की प्राप्ति की जो शर्त है वो प्रज्ञान नहीं है, समझदारी नहीं है। बहुत बड़ी समझदारी भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए शर्त नहीं है, थोड़ी समझ वाला भी प्राप्त कर सकता। शर्त है परमात्मा की प्राप्ति में चार, आप भले गिन लो। दुष्चरित्रता का त्याग एक, ना विरतो दुष्चरिता। पहले हम लोग, हम अपनी बात बताते हैं, लोगों को मंत्र बता देते हैं ना जप करने के लिए। तो पहला युग जब था, हमारे जीवन का जब पहला युग, तब हम कहते थे कि चोरी जारी झूठ, इनको छोड़ देना। आज से तुम मंत्र ले रहे हो, हमारे शिष्य हो रहे हो, तो पराया धन, पराई स्त्री और झूठ बोलना छोड़ देना। तो देखो दूसरा युग आया, तो चेलों ने बताया कि महाराज ये जो आप उपदेश कर रहे हैं, चेलों ने हमको उपदेश किया, आप जो ये उपदेश कर रहे हैं हमको, इसमें से झूठ छोड़ना तो हमारे लिए संभव नहीं है, तो हम आपके साथ झूठी प्रतिज्ञा करें कि हम झूठ छोड़ देंगे और फिर न छोड़ें। तो ये ठीक नहीं है, इसलिए आप झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा न करवाओ। तो अच्छा भाई, हम मान लेते हैं तुम्हारा। तो फिर उपदेश करने लगे कि पराया धन और पराई औरत से परहेज करना, ऐसा चेलों को उपदेश दिया। वो बोले महाराज पराई औरत को तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन पराया धन छोड़ना बड़ा मुश्किल है। वो तो दूसरे युग में चोरी बेईमानी वाली बात भी छूट गई। आपको सच्ची बात बताते हैं, अपने जीवन की घटी की। अच्छा भाई ठीक है, चलो आजकल बिना प्लेग के काम चलता नहीं। आया था ना ऐसा युग आया था, अब तो इमरजेंसी है, अब आप लोग जैसा करते हैं आप जाए, है ना। अच्छा, तो वो भी छोड़ दिया,
मैं छोड़ता गया, चेला लोग कुछ नहीं छोड़ते गए, हम ही छोड़ते गए। फिर अब एक बात रह गई, वो क्या कि जब किसी को मंत्र देते हैं ना, तो उससे कहते हैं, सचमुच कहते हैं कि भाई मेरे जान बूझ कर दूसरे को नुकसान मत पहुंचाना, सिर्फ एक बात बोल, न झूठ छोड़ने को बोलते हैं, न चोरी छोड़ने को बोलते हैं, न परस्त्री परपुरुष छोड़ने को बोलते हैं, बोलते हैं सिर्फ इतना कि जान बूझ कर दूसरे को नुकसान मत पहुंचा। तो अभी इसको लोग है ना, अभी तो इसको लोग हाँ करते जाते हैं, जान बूझ कर दूसरे को नुकसान मत। तो वेदांत मार्ग की सबसे पहली शर्त यह है कि आपके जीवन में जो चरित्र की त्रुटि है उसको आप दूर न कर दें, दूर करने का प्रयास करें ईमानदारी के साथ। दूसरी शर्त है वेदांत ज्ञान की, काम क्रोध लोभ के वश में ना शांत। वेदांत में खाली तत्त्वमसि नहीं है, हम ब्रह्मास्मि नहीं है, ये इतने बड़े बड़े पोथे जो उपनिषदों के हैं, हाँ वो एक पन्ने में नहीं, एक लाइन में लिखे हुए नहीं है। हम चारों महावाक्य एक लाइन में लिख दें, चार लाइन एक लाइन में लिखे हुए नहीं है, न चार लाइन है न एक पेज है, तो इतने बड़े बड़े पोथे हो और फिर उस पर व्याख्या। दूसरी बात यह है कि मन में जो अपने को कंगाल बनाने वाली चीज है हमारे पास नहीं है, तुम्हारे पास है, हम तुम्हारा जेब काट के अपना जेब भर लेंगे, लो ओ आप जली महाराज, हम तुमको भस्म कर देंगे। अरे तुम क्या दूसरे को भस्म करोगे, तुम खुद भस्म हो रहे हो। ये मन में जब काम की वृत्ति उठती है ना, तो शरीर में दर्द होने लगता है, वात पड़ जाता है, वायु। काम की वृत्ति वात की वृत्ति है, क्रोध की वृत्ति पित्त की वृत्ति, लोभ की वृत्ति कफ की वृत्ति है, बोला ये शंकराचार्य है। सर्वदर्शन संग्रह में शंकराचार्य ने कहा, पित्त पड़ता है ना, गर्मी मालूम पड़ती है वो, और पीला पीला कह आता है, पर जलन होती है, जलन वो क्रोध है, और जब लोभ बढ़ता है तो कफ। मोटे आदमी जो होते हैं वो प्रायः कफ और बात प्रधान होते हैं, और दुबले आदमी जो होते हैं वो प्रायः पित्त प्रधान होते हैं। दुबले आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है और मोटे आदमी को गुस्सा कम आता है, आप देख लेना, क्योंकि मोटा आदमी किसी को मार के भाग नहीं सकता और कोई उसको मारे है ना, तो फिर नहीं सकता, तो मोटे आदमी को गुस्सा कम रखना पड़ता है। वो ये दुकान पर बैठने वाले व्यापारी लोग होते हैं तो पहले, आजकल तो घूमते हैं ना, ईश्वर कृपा से नरीमान पॉइंट पर घूमने के लिए आते हैं, प्रेम कुटी का सत्संग भी करते हैं, तो दोनों से गुस्सा कम होता है। वो क्रोध पित्त है, जलाता है, और काम बात है, उससे शरीर में पीड़ा होती है, और लोभ जो है वो कफ है, नजला है, नजला, उससे जुकाम हो जाता है। काम क्रोध लोभ तो इनसे चित्त में अशांति होती है, मन में ये नहीं मिला हमको इससे भी अशांति होती है, ये भोगने को नहीं मिला इससे भी अशांति होती है,
और हमारे सामने हमारा दुश्मन बैठता है, कितनी बड़ी जलन होती है। हमारे गांव की तरफ एक आल्हा उदल गाते हैं, आल्हा गाते हैं, आल्हा उधर बनारस की तरफ बहुत चलता है, मिर्जापुर बनारस चुनार तो उसकी खास। फिर जाके समूहे दुश्मन बैठे ताकि जीवन को धिक्कार, छम 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 छमतेगा बाजे, चम चम चमक उठे तलवार। मन को बुद्धि को नुकीला होना चाहिए, वो एक अग्र माने नुकीला, एक अग्र माने नोक, एकाग्र माने एक निशाना लगा के और मन को उसमें गड़ा दे, इसको एकाग्रता बोलते हैं। जो वृत्ति शांत हो वही उदय होए। हम राम के बारे में सोच रहे थे, क्षण भर के लिए मन शांत हो गया तो फिर सोचें तो राम के बारे में ही सोचें, बार 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 राम के बारे में सोचें, बार 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 कृष्ण के बारे में सोचें। तो ये तो है सहारा, हो मन को एकाग्र करने का सहारा है राम, मन को एकाग्र करने का सहारा है कृष्ण, राम का कृष्ण का शिव का विष्णु का सहारा लेकर आप अपने मन को नुकीला बनाइए, अपने मन को सूक्ष्म बनाइए, अपने मन को संसार के चिंतन से मुक्त कीजिए। पहले अपने मन में राम कृष्ण शिव का अध्यारोप कीजिए और उसके बाद निराकार को पकड़ने के लिए उसका अपवाद करके अपनी एकाग्रता को अपने स्वरूप में स्थिर कीजिए। एक चौथी बात वेदांत की है, वो खास है, वो दुनियादारों को तो मालूम ही नहीं, वो क्या है कि यदि कोई अपनी सिद्धि की ओर आपको आकर्षित करे, हम आसमान में उड़ते हैं, हम आग से जलते नहीं हैं, हम पानी में डूबते नहीं हैं, हमने वो हीरा मोती की वर्षा करवा दी, हमने वो सोना चांदी निकाल लिया, सिद्धि हो किसी तरह की सिद्धि, हमने ये रोग दूर कर दिया, हम ये छोटे बन गए। हमारे गांव में एक साधु आया था, वो 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक लेता था और अपने को छोटी उम्र का करके दिखा देता, समाधि लगा के एकाग्र करके ध्यान करके बैठता था। आपको एक बात सुनाते हैं, हमने ऐसा अभ्यास किया था कि हम आपको इतना, अपने आप को इतना उग्र इतना क्रूर अपना चेहरा हम बना लेते थे कि हमारे दोस्त लोग डर जाते थे, हमको देख के डर जाते, तो हल्का बन जाना, वजनदार बन जाना, बड़ा बोझ उठा लेना, एक जगह से दूसरी जगह देख लेना, दूसरे के मन की बात जान लेना, आगे पीछे की बात जान लेना, रोग दूर कर देना, दूर की चीज को मंगा लेना, ये सिद्धि नहीं है, जादूगरी है। एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनके यहाँ पत्थर का काम हो रहा था, वो मुसलमान जो कारीगर था पत्थर का काम करने वाला, उसने कहा कि बाबूजी आप जादू का खेल देखो तो मैं दिखा सकता हूँ। उद्योगपति ने कहा, नाम लेने तो कोई हर्ज तो नहीं है, ये बात पदमपद सिंघानिया ने हमसे स्वयं कही है, जेके ग्रुप के मालिक। उस मुसलमान ने कहा कि आप जो चीज कहिए वो मैं मंगा दूं, तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, चदरा बिछाया गया धरती पर और एक के ऊपर दूसरा चदरा बिछाया गया,
उन्होंने उसी समय पुर्जा लिखा, हमको लंदन की अमुक दुकान का अमुक नंबर का जूता चाहिए। उसने चद्दर के नीचे हाथ डाला, कोई 5 मिनट के भीतर जूता जूते का जोड़ा निकाल दिया, दुकान का नाम लिखा हुआ, बिल बनाया हुआ इतने रुपए का, उसी तारीख, बिल भी उसी तारीख का था, हो उसी तारीख का बिल, उसी तारीख का जूता। वो मुसलमान उसके पास जिंद सिद्ध थे, हो जिंद। ये नहीं समझना कि ये सब चालाकी होती है, चालाकी नहीं होती है, इसके भीतर देवता भी होते हैं, जिंद भी होते हैं, और ये इतने धूर्त होते हैं कि इनके पास होते तो हैं भूत प्रेत जिंद चुड़ैल, और नाम लेते हैं ईश्वर का, ये भगवान की कृपा से आया है। तो आपको वो ईश्वर का जो नाम लेते हैं कि ये भगवान ने कृपा करके भेजा है, वो तो धूर्तता है। हमारे गांव में एक मुसलमान आया था, बोले क्या खाओगे, बोलो, मैंने ऐसी चीज बताई जो हमारे गांव के आसपास नहीं होती, 2 मिनट के भीतर हो पट से गिर गया। हमारे मित्र हैं चक्र जी, उन्होंने एक से ऐसी चीज मांगी जो मालूम नहीं थी उसको, बहुत घबराया, बहुत देर तक ढूंढा, डांडी जी नहीं मिला। जब उसको बताया गया कि नागपुर के आसपास होता है, तो 2 मिनट के भीतर की जा गई। तो ये जो सिद्धियों की ओर आकर्षण है ना, ये हमको बेटा दे देंगे, ये हमारा रोग दूर कर देंगे, ये हमको पैसा दे देंगे, है? ये परमार्थ से वंचित होना है, ठगा जाना है, विमुख होना है, ये ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। तो नाशांत मानसो बापी, चौथी शर्त क्या है, सिद्धियों के चक्कर में न फंसना, दुष्चरित्र छोड़ना पहली शर्त है, काम क्रोध लोभ का ढीला होना दूसरी शर्त है, मन की चंचलता मिटना तीसरी शर्त है, और सिद्धियों के प्रलोभन में न फंसना ये चौथी शर्त है। तब वेदांत समझ में आता है। पहले ये रिवाज नहीं थी कि चाहे जिसको चाहे जब चाहे जहां, हमारे गुरु लोग ऐसा नहीं करते थे। पुराने महात्मा लोग ऐसा नहीं करते थे। योग्य, जिसके अंदर योग्यता है, जो दुनिया की चीजों को देखकर इतना व्याकुल हो जाता है कि मुंह में पानी आ जाए, उसके लिए वो चीज तो अब आप सोचना। ये कहते क्या है, आत्मा वा इदम अग्रे असि, जब नाम रूप प्रकट नहीं हुआ था तब केवल आत्मा था, उसके बाद नाम रूप प्रकट हुआ, ये सृष्टि हुई। तो कारण से जो कार्य की उत्पत्ति होती है, तो ये बात आपको बिल्कुल नई है, वेदांत की बिल्कुल नई है, ये न चारबाग की है, न बुद्ध की है, न जैन की है, न न्याय की है, न वैशेषिक की, न सांख्य की, न मीमांसा की। कि सृष्टि का जो मूल उपादान है, मसाला है, जिस चीज से ये नाम रूप सृष्टि फैली है, पैदा हुई है, दिखाई पड़ती है, वो शुद्ध चेतन आत्मा ही। सृष्टि के पहले आत्मा था, और सृष्टि फैली तो आत्मा ही सृष्टि के रूप में फैला। और दूसरी बात वेदांत ये बताता है कि कारण ही सत्य होता है, कार्य मिथ्या होता है। ये इतने उपनिषद का बोला, मिट्टी सच्ची है, घड़ा सच्चा, घड़ा बनने के पहले मिट्टी थी, मिट्टी घड़े के रूप में सकल सूरत बनी हो, कुछ दूसरा वजन पैदा नहीं हुआ, घड़ा फूटने के बाद भी मिट्टी है,
तो इसमें समझदारी क्या है? एक आश्रम है साधुओं का, वहां पांच चार वेदांति इकट्ठे हुए, तो ये हुआ कि भाई घड़ा मिट्टी है, ये निश्चय कैसे हो? तो जब घड़े को फोड़ देंगे, चूर चूर करेंगे ना, तब निश्चय हो जाएगा कि ये मिट्टी है। तो एक महात्मा के पास गए वो लोग, प्राची घटना है, बोले अरे भाई घड़े को फोड़ते क्यों हो, ये देखो घड़ा बनने के पहले क्या था? बोले माटी थी। कितना वजन था? का एक किलो। कहा घड़ा बनने के बाद क्या हुआ? तो शक्ल बन गई। वजन कितना है? वजन तो एक किलो। अरे बोले तो शक्ल सूरत बनने से वो माटी कुछ दूसरी नहीं हो गई, घड़े को फोड़ो मत, घड़े को रखने दो, वो तो बना बनाया हुआ घड़ा भी माटी ही है। वो वेदांत समझ देता है नाम रूप सकल सूरत पैदा होने के पहले आत्म चैतन्य ही था, शुद्ध आत्मा था। यदि ये कल्पना करें कि मैं नहीं कोई और था, तो कोई और था ये मालूम ही नहीं पड़ेगा, कल्पना हो जाएगी। हो जब मैं था ही नहीं और वो था, तो वो क्या था? देवी जी थी, है ना, आठ भुजा वाली कि दस भुजा वाली कि चार भुजा वाली कि दो भुजा वाली, कौन सी देवी थी, है ना, कि हाथी के सूंड वाले गणेश जी थे, हैं, कि शंख चक्र गदाधारी विष्णु थे, कि चार मुंह वाले, चार हाथ वाले विष्णु और चार मुंह वाले ब्रह्मा, कौन थे महाराज? तीन नेत्र वाले शंकर कौन थे? जब ये सृष्टि नहीं थी तो इसके पहले कौन था? तब कल्पना करनी पड़ेगी। और सब लोग अपने अपने को पकड़ के, हमारे शिव जी थे, हमारे विष्णु जी थे, हमारी देवी जी थी, हमारी गणेश जी थे, अपने अपने को पकड़ के दूसरे से लड़ेंगे, तुम्हारे वाले नहीं थे, हमारे वाले थे, हमारे वाले थे, तुम्हारे वाले नहीं थे, लड़ेंगे। नाम रूप प्रकट होने से पहले एक सत्य कल्पना करोगे कि ये था ये था ये था ये था, कल्पित ही होगा, वो निराकार था कि साकार था। यदि अपने सिवाय दूसरा कोई सृष्टि के पहले था, तो वो कल्पना थी, कल्पित था, और आज हम लोग अलग अलग अपने दिल में उसकी कल्पना कर रहे हैं। वो आत्मा ही था। तो क्या कहती है इतरे उपनिषद, क्या शिक्षा देती है? तम एतमेव पुरुषम ब्रह्म तत्त्वम अपश्यत। यही जो आत्मा है, यही जो तुम हो, स्वयं हो, खुदा और खुदी से मुक्त खुद हो, जिसको तुम दृष्टा कहते हो, साक्षी कहते हो, आत्मा कहते हो, है ना, ये देह से महदूद नहीं है कि इतनी दूर में है। देह भर में मत, देह में कहा है? और किसी ने कहा कलेजे में है, किसी ने कहा सिर में है, डर गए दोनों और लाठी चल गई हो। दो साधु इकट्ठे हुए, एक ने कहा कि आत्मा कलेजे में रहती है, और एक साधु ने कहा कि नहीं सिर में रहती है, ब्रह्मरंध्र में रहती है। दोनों में थोड़ी देर तक बहस हुई, जब बहस ने काम नहीं दिया तो दोनों ने चिमटा उठाया और आपस में चिमटेबाजी हो गई। मुसलमान ने कहा ऐसा, हिंदू ने कहा ऐसा, और दाढ़ी चोटी सम्मेलन हो गई। ब्रह्म तत्त्वम अपश्य, ये दर्शन हुआ, ये दृष्टि हुई, ये अनुभव हुआ कि ये जो आत्मा है, जो इस शरीर में स्वयं है, वो हड्डी मांस चाम से विलक्षण, तुम्हारी सांस से क्रिया प्रक्रिया से विलक्षण, तुम्हारी मनोवृत्तियों से इच्छाओं से विलक्षण, तुम्हारे बौद्धिक विचारों से विलक्षण, तुम्हारी स्थितियों से विलक्षण, जो स्वयं प्रकाश सर्वावभासक चेतन है, वो चेतन
देश से काल से और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं, साक्षात साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, ये उपनिषद बोलते हैं। पर आप अपने व्यक्तित्व को जानते, ये जो आपने अपने को छोटा मान रखा है 3.5 हाथ के शरीर, इसको तब तक नहीं छोड़ सकते आप जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो। अंतःकरण शुद्ध होने के पहले आप देह में मैं बना और मेरा बना छोड़ नहीं सकते। आपका वेदांत केवल जबानी जमा खर्च हो जाएगा, दूसरों को सुनाने के लिए हो जाएगा, यदि आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास, और नहीं तो महाराज वृंदावन में जैसे छोटे छोटे लड़कों को श्रृंगार करा के उपदेश करवाते हैं उनसे, तो वो बड़े बूढ़ों की सभा में ऊपर बैठ के छोटे छोटे बच्चे उपदेश करते हैं, प्रेम ऐसा होता है, भगवान ऐसे होते हैं। तो जैसे वो बेचारे कुछ न जानते हैं न समझते हैं, उनको जैसा सिखाया गया है, जैसा उनको रटाया गया है और याद नहीं होता तो पीटते हैं, जुर्माना कर देते हैं, तनख्वाह काट लेते हैं, याद नहीं होता, जैसा याद कराया गया है वैसा बोलते हैं बेचारे। ऐसे ही महाराज आप भी वेदांत वैसे ही वेदांत बोलोगे, कोई छोकरी बोलेगी, कोई छोकरा बोलेगा, अनजान लोग जिनको वेदांत का कोई अनुभव नहीं है वे जैसे वेदांत बोलते हैं वैसे आप भी बोलने वाले तो बन जाओगे, लेकिन अनुभव नहीं होगा। इसके लिए अंतःकरण को शुद्ध करते